इस विशेष संबोधन में आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत है। आपके समक्ष मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन विष्णुदयाल राम हूँ। मेरे बगल में श्री ज्योति त्रिवेदी हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं। उनके बगल में श्री अयोध्यानाथ मिश्र जी हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं। और आपके हमारे बाईं ओर बनवाल जी हैं, जो यहाँ पर मीडिया के प्रवक्ता हैं। दो हजार उन्नीस विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा नया झारखंड अभियान की शुरुआत की जा रही है। मंडल स्तर पर चलने वाला इस अभियान का प्रारंभ पार्टी इस विश्वास के साथ कर रही है कि यह झारखंड राज्य के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने वाला अब तक का सबसे बड़ा सरकारी प्रयास सिद्ध होगा। यह अभियान अगले पांच वर्ष के एजेंडा को तैयार करने और लोगों की आशाओं, उम्मीदों और सुझावों को एकत्रित करने का प्रयास होगा। यह प्रत्येक झारखंडवासी के भविष्य के लिए झारखंड के निर्माण में सहयोग करने का एक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से पार्टी का प्रयास रहेगा कि 3,19,00,000 झारखंड के जनता का सुझाव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जाए, उन सुझावों को संग्रहित किया जाए और उन सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया। जनता के सुझावों का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए अनेक माध्यमों से जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को अपने सुझाव साझा करने का अवसर मिल सके। जो माध्यम हम लोगों ने अपनाया है, उसमें से प्रत्येक मंडल में नया झारखंड पेटी रखी जाए, सार्वजनिक स्थान पर रखी जाएगी और लोगों का सुझाव आमंत्रित किया जाए। इसी प्रकार एक मिस कॉल नंबर रहेगा, उसका नंबर होगा 6357171717। इस नंबर पर कोई भी मिस कॉल करके अपना सुझाव दे सकेगा और उसका सुझाव रिकॉर्ड किया जा सकेगा। तीसरा माध्यम एक नया झारखंड वेबसाइट लॉन्च करने का होगा, जो आने वाले एक दो दिनों के अंतर्गत लॉन्च किया है। कमल दूत के माध्यम से भी हम जनता को जागरूक करना चाहेंगे और जनता का सुझाव आमंत्रित करना चाहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जनता का सुझाव प्राप्त करना चाहेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। नया झारखंड हैश आकांक्षा पेटी हैशटैग के साथ शेयर किए। हमारा ये प्रयास होगा और हमारा उद्देश्य है कि हम सभी प्रमंडलों में जाएं, वहां पर प्रवास करें और समाज के विभिन्न वर्गों से, विषय के विशेषज्ञों से, समाज के प्रमुख लोगों से उनका सुझाव प्राप्त किया है। हम अपने सभी सांसदों, विधायकों और प्रभावशाली नेतागणों से भी सुझाव
सुझाव प्राप्त करना चाहेंगे और सुझाव मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है, लिखित रूप से भी दिया जा सकता है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुझाव प्राप्त करें, ताकि हम आने वाले 5 वर्षों के लिए एक कार्यावली तैयार कर सकें और उस कार्यावली के आधार पर आने वाले 5 वर्षों में कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस। आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पहला रूम, हमारे सपनों का घर। वाह, हमारे सपनों का घर। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।